नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन आज लेंगे अपने पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के मामले में बिना सबूत के पति के रिश्तेदारों को नामजद नहीं करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की आज पटना उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन आज सुबह 11 बजे अपने पद की शपथ लेंगे। राजभवन में आयोजित समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। श्री टंडन भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनसंघ के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वर्ष 1935 में जन्मे श्री टंडन का लंबा संसदीय अनुभव रहा है। वर्ष 1978 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। वे लोकसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि विवाह संबंधी विवादों और दहेज हत्याओं में जब तक पति के रिश्तेदारों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से नहीं हो तब तक उन्हें इन मामलों में नामजद नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि पति के रिश्तेदारों को सिर्फ आरोपों के आधार पर नामजद नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक वैवाहिक विवाद में हैदराबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए दिया। पटना के आसरा गृह मामले में संचालिका मनीषा दयाल और उसके सहयोगी चिरंतन कुमार से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों से बैंक खातों और सरकार से मिली राशि के उपयोग में बरती गई और नियमितता के मामले में पूछताछ की गई। इधर जांच में इस बात का भी पता चला है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से मनीषा दयाल के अच्छे संबंध रहे हैं। बिहार के आश्रय गृहों के सामाजिक अंकेक्षण से जुड़ी टीआईएसएस की रिपोर्ट के आधार पर मलाला फंड ने बिहार की दो स्वयंसेवी संस्थाओं सखी और नारी गुंजन के अनुदान पर रोक लगा दी है। फंड के संचार अधिकारी टेलर रॉयल ने कहा कि राज्य के कई शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न की बात सामने आने के बाद ये निर्णय लिया गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की आज पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस दौरान सीबीआई अब तक हुई जांच की रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर सकती है। इधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने इस मामले की रिपोर्ट केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को सौंप दी है। इसमें पीड़िताओं की काउंसिलिंग से जुड़े रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। वहीं सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई सभी आरोपियों की पहचान उनके फोटो से कराने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में बालिका गृह और बाल संरक्षण इकाई से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की फोटो सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं सीबीआई की विशेष टीम ब्रजेश ठाकुर के सहयोगियों मधु, दिलीप वर्मा और संजय सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी ब्रजेश ठाकुर की संपत्तियों के आकलन में भी जुट गई है। उसे फंडिंग और विज्ञापन के नाम पर कितनी राशि मिली थी इसकी भी जांच चल रही है। इधर जेल में बंद निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन की पत्नी शिभा कुमारी के खबड़ा और मोतिहारी स्थित आवास पर इश्तेहार चिपकाने की तैयारी भी पुलिस कर रही है। पटना सिटी स्थित सफीना बालगृह में रह रहे बच्चों और उनके अभिभावकों ने रिहाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया। हंगामे के दौरान तीन बच्चे फरार हो गए। इस मामले में संदेह के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। राज्य के पंचायतों में संविदा के आधार पर 4172 तकनीकी सहायक और लेखापाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति होगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। लेखापाल को 20,000 रूपये और तकनीकी सहायक को 27,000 रूपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदक किसी एक ही जिले से आवेदन कर सकेंगे। लेखापाल सह आईटी सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम निर्धारित की गई है। वहीं तकनीकी सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज से 25 अगस्त तक गंगा, गंडक, बागमती, कोसी, घाघरा, महानंदा और पुनपुन सहित प्रदेश की विभिन्न नदियों में विसर्जित की जाएगी।
इससे पहले लोगों के दर्शनार्थ 11 रथों पर कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अस्थि कलश यात्रा के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड से सटे हिस्सों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। विभाग ने कहा है कि लगभग एक पखवाड़े बाद मॉनसून ट्रफ बिहार पहुंचा है, जिसके प्रभाव से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। फिलहाल ट्रफ लाइन नवादा से होकर गुजर रही है। राज्य सरकार ने गृह विभाग के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी संजय कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन्हें वर्ष 2015 में 7,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। गृह विभाग ने चौकीदारों दफादारों को बढ़ी हुई दर से वर्दी भत्ता के नकद भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। अब चौकीदार दफादार को 4,000 रूपये की जगह 5,000 रूपये वार्षिक वर्दी भत्ता मिलेगा। बिहार कांग्रेस के सांसद, विधायक और विधान पार्षद अपने एक माह का वेतन केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दान करेंगे। पार्टी की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है। बिहटा स्थित एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन ने केरल में आए भीषण बाढ़ के दौरान सराहनीय राहत और बचाव कार्य किया है। कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बटालियन की 6 टीमों ने लगभग 1,500 लोगों की जान बचाई है। रणजी ट्रॉफी में बिहार की ओर से जाने माने स्पिनर प्रज्ञान ओझा और बल्लेबाज भावीन जितेंद्र ठक्कर के खेलने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में दोनों खिलाड़ियों से बीसीए की बातचीत हो चुकी है। प्रज्ञान ओझा भारत की ओर से 24 टेस्ट और 18 वनडे मैच खेल चुके हैं। नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पूर्वी चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैरिया देवी माई स्थान के पास वाहन जांच के दौरान लोगों ने जिला परिवहन पदाधिकारी पर हमला कर दिया, जिसमें वे और उनके गाड़ी का चालक घायल हो गया। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित अनिसाबाद मौसम विज्ञान केंद्र के पास से पुलिस ने 2 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी चेक पोस्ट के पास से पुलिस ने 350 कार्टन शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले के चौथम में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर लगभग 100 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान लिखता है कश्मीर में ईद पर हिंसा, इंस्पेक्टर सहित 4 की हत्या। दैनिक जागरण की सुर्खी है नए गवर्नर पहुंचे पटना, शपथ ग्रहण आज। दैनिक भास्कर ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है हॉकी में भारत की सबसे बड़ी जीत, हांगकांग को 26-0 से हराकर 86 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। प्रभात खबर ने एक साप्ताहिक पत्रिका के सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है एनडीए के मुख्यमंत्रियों में नीतीश सबसे बेहतर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अब शुरू होंगे पोर्टेबल पेट्रोल पंप। आज ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश यात्रा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन आज लेंगे अपने पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के मामले में बिना सबूत के पति के रिश्तेदारों को नामजद नहीं करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की आज पटना उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।